फिल्मों में पुलिस के दबंग अवतार को आपने खूब देखा होगा, लेकिन ये कहानी असल जिंदगी के एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की है जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इस आईपीएस ऑफिसर का नाम मनु महाराज है और बिहार में इनको सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है। फिल्म स्टारों की तरह इनकी स्टाइलिश मूंछें, सुडौल शरीर और दबंग अवतार को देखकर अपराधियों के पसीने छूटने लगते हैं। मनु महाराज हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। शिमला से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद आईआईटी रुड़की से इन्होंने बीटेक किया। इसके बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ना करके वो यूपीएससी की तैयारी करने लगे और साल 2005 में मनु महाराज ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। 7 साल तक पटना में एसएसपी रहने के बाद 2021 में बिहार के बाहर भी इन्होंने अपनी सेवा देनी शुरू की। एक समय ऐसा भी आया जब इनके खौफ से बिहार के अपराधी कांपने लगते थे। इन्होंने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नियुक्ति घोटाले में वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर सुधीर कुमार को भी गिरफ्तार करने से परहेज नहीं किया। सुधीर कुमार बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार के करीबी ऑफिसरों में से एक माने जाते हैं। मनु महाराज इन दिनों उत्तराखंड में आईटीबीपी के डीआईजी हैं, जिनके अंदर 5 बटालियन आती है। इनके दिलेर अंदाज से अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। बहुत कम उम्र से ही इनके अंदर अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जज्बा पैदा हो गया था। मनु महाराज को अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की वजह से राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। वैसे तो इनकी दबंगई को पूरा देश जानता है, लेकिन जब वो रोहतास में तकरीबन 1.5 साल तक काम कर रहे थे तो वहाँ के नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का ठान लिया था। एक बार तो मनु महाराज ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती दी और कहा कि खुद को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। मनु महाराज के तेवर को देखकर रोहतास जिला के पहाड़ियों में छिपे नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए। फिर क्या था, एक एक कर नक्सलियों ने अपने आप को दर्जनों हथियारों सहित पुलिस के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, एक बार इन्होंने देखा कि पुलिस और इनके ड्राइवर सो रहे थे, उस समय उनकी जीप चोरी कर ली गई। खास बात यह है कि पुलिस वालों को पता भी नहीं चला और मनु महाराज पटना में घूमते रहे। किसी भी पुलिस वालों की नजर उन पर नहीं पड़ी। इसको देखकर वो परेशान हो गए और थाने पहुंचकर पुलिस कर्मियों को डांट लगाई और अगले ही दिन ड्यूटी से सस्पेंड भी कर दिया। इसके बाद से अपराधी तो डर से थर थर कांपते ही थे, लेकिन पुलिस वाले भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने लगे। मनु महाराज कई बार सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पटना की सड़कों पर साइकिल से भी निकल पड़ते हैं, जहां पर पेट्रोलिंग वालों की लापरवाही पर भी उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। मनु महाराज की पोस्टिंग हमेशा ऐसे जगहों पर होती है जहाँ अपराध आए दिन बढ़ते रहते हैं, लेकिन मनु महाराज के वहाँ आने पर या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देते हैं या वो इलाका ही छोड़कर चले जाते हैं। मनु महाराज जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग उन्हें देखते ही सिंघम कहकर पुकारते हैं। ये जब भी किसी ऑपरेशन को लीड करते हैं तो अपने साथ AK-47 लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, ये जिस तरह से अलग अलग जिलों में बड़ी काबिलियत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसकी वजह से उनको लेकर युवाओं में काफी क्रेज रहता है। वो युवाओं से हमेशा कहते रहते हैं कि लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि मनु महाराज की तैनाती इन दिनों उत्तराखंड में है। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। ऐसे में इनके सामने दोनों देशों से लगने वाले सीमा क्षेत्र को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। चीन के साथ तो भारत के पहले से ही रिश्ते खराब हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाई हैं। ऐसे में सीमाओं की सुरक्षा बेहद ही अहम हो गया है। इनका कहना है कि हमारे जवान अलर्ट हैं, तैयार हैं, और युद्ध भी हो गई तो हमारे जवान हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आईटीबीपी में हिमवीर हो या फिर वीरांगनाएं, दुश्मन अगर आंखें दिखाएंगे तो उनको उसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।